Hello friends, my name is Harsh Bansal and I am an IRTS officer. मुझे जो IRTS है ये UPSC के first attempt में मिला, तो काफी बच्चों के मेरे पास doubts आते हैं भी सर कोई भी UPSC का exam first attempt में कैसे clear करे. तो आज हम prelims की strategy देखेंगे भी, prelims की strategy क्या होती है, mains की हम किसी और time discuss करेंगे, लेकिन आज prelims की strategy, क्योंकि अभी आज कट ऑफ आई है यूपीएससी की, और कट ऑफ कितनी गई है 105. लास्ट ईयर पेपर भी टफ था, बट इस टाइम सीट्स 782 है और कट ऑफ ज्यादा जाएगी. और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक मंथ रह गया, और अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स फ्री देंगे, बट मेन सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स लिखेंगे. तो मीन देखो प्रीलिम्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है. और वन मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो वो स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजी है प्री को क्लियर करने की, क्योंकि अभी आपको वो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं. अगर अभी भी बच्चे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो वो ब्लंडर करेंगे. अभी आपके पास वन मंथ है, और उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 5,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. कहीं से भी करो प्रैक्टिस, लेकिन ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. 5,000 मींस 50 पेपर्स. अब बच्चे और दूसरी गलती क्या करते हैं प्रीलिम्स में, इसी मंथ में सी सेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे. सी सेट क्वालिफाइंग है, मींस आपको सिर्फ 60 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 200. इसके लिए एक दो दिन लगाओ, बट ज्यादा टाइम मत दो इसको. मेन जीएस पेपर वन, मींस जीएस का जो प्रीलिम्स का आपका पेपर है उस पर ज्यादा फोकस रखो, और 5,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ. और अगर कोई क्वेश्चन सपोज करो, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना, अपनी कॉपी लो, जैसे पॉलिटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगा भी कोई नई चीज है, जो मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ी थी और भूल गया मैं, उसको लिखो ऐसी कॉपी में. हिस्ट्री के अलग बना लो सेक्शन, और प्री के 4-5 दिन पहले बस वो अपने नोट्स अपने रिवाइज करने हैं. और यही इस टाइम आपकी स्ट्रेटजी है. अभी बुक्स के पीछे मत भागो. थैंक यू.